हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराजपुर रोड पे मिली अज्ञात युवक की लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुर रोड पे सवेरे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। महाराजपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, खजुराव SDOP मनमोहन सिंह पटेल, गढ़ी मलेरा थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी, महाराजपुर थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर सहित भारी पुलिस बल, डोंग रिक्वायर्ड एवं फॉरेस्टिक टीम मौका पर पहुंची है। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही। मृतक के हाथ पैर पे राम देवी एवं शिव देवी नाम को गुदना गुदो भाव है। पूरे मामला में खजुराव SDOP मनमोहन सिंह बघेल को कहवो है कि मामला लाठी डंडल से पीट के हत्या लगत है। जांच उपरांत ही पूरे मामला में कछु कहवो संभव हो पाए। मामला में पुलिस का मिले सबूत, मृतक की नहीं हो पाई पहचान, जल्द खुलासा होवे की उम्मीद। इस पूरे मामले में जांच के दौरान पुलिस का पुख्ता सबूत मिले हैं। डॉग स्क्वाड एवं फॉरेस्टिंग टीम की मदद से पुलिस का वैज्ञानिक पुष्टि करत है, कछु महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं। हालांकि पूरे मामला में अब पुलिस कछु भी कैबे से बचत भई नजर आ रही है। पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं उनसे जल्द ही पूरे मामला में कछु बड़ो खुलासा होवे की उम्मीद करी जा रही है। हालांकि घटना की गंभीरता का देखत भय छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने स्वयं मौके पर पहुंच के घटना स्थल को निरीक्षण करो एवं SDOP मनमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में पूरे मामला में महाराजपुर थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर एवं गढ़ी मलेरा थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी मामला की जांच में जुटे पाए हैं एवं पुलिस इस पूरे मामला को जल्द खुलासा कर सकते है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। थाना महाराजपुर थाने के अंतर्गत गाँव पुर की घटना है, जिसमें पुर रोड पे ही एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जो कि प्रथम दृष्टया हत्या करना प्रतीत हो रहा है, जिसमें बॉडी अनआइडेंटिफाइड है, लाश की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसकी हत्या की गई है, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा विधिवत जांच की जा रही है। इसमें किसी की अभी गिरफ्तारी की कैसे जानकारी है? ये अभी जांच का विषय है, इसमें कुछ सूत्र के हवाले से खबर लग रही है जिसके संबंध में जांच की जा रही है। सर, किस प्रकार से उसे, किस चीज से मारा गया है? लाठियों से मार करके हत्या की गई है उसकी। सर, धारदार हथियार की भी कोई? इसके संबंध में जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कहना उचित होगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरें जान बिगड़ाने चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता प्रिंस भरबूजा की, तो ऐसे ही खबरें जान भी कराने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।